हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं सेहत की। तो सेहत के लिए कौन सा घी बहुत ही अच्छा रहता है? क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अरे यार, तू वो वाला ब्रांड लेके आ जा, वो वाला लेके आ जा। तो कौन सा घी बेस्ट है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट घी कौन सा है, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो सारे मेथड, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सा घी आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम घी के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो कभी आप अमूल का ले लेते हैं, पतंजलि का लेते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया का ले लेते हैं, लेकिन कभी आपने चेक किया है कि इसमें एडल्ट्रेंट कौन से यूज़ में लेते हैं? कौन से एडल्ट्रेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं? और आयुर्वेद के अनुसार घी हमारी बॉडी के लिए चमत्कारी का से कम काम नहीं करता है। मतलब इसको, घी को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है। और क्या इस अमृत को आप विष की तरह यूज में ले रहे हैं? आयुर्वेद के अमृत को क्या आप विष की तरह यूज में ले रहे हैं? नहीं कि हाँ, अगर नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, अगर हाँ ले रहे हैं तो आप उस विष को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? वो कौन कौन सी चीज़ है? एक्चुअली अगर अपन बात करें तो घी है ना, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। सो बेसिकली घी को चार कैटेगरीज में डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट होता है वनस्पति घी। ये तो घी होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑयल को लेके बनाया होता है, और ऑयल को लेके बनाया है ना, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, यू नो अबाउट द, ये हमारे शरीर में लिपिड को बढ़ाता है, और ट्रांस फैट जो फैटी एसिड होता है ना, उसकी कैपेसिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, आपको घी खाने से हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा कहते हैं ना, तो वो कौन सा घी है? सो दोस्तों, आपको वनस्पति घी को तो घी में नहीं मान सकते। सेकंड वन जो आता है कॉमर्शियल घी, पतंजलि हो गया, एडल्ट इंडिया हो गया, उसके बाद में अमूल हो गया, या मदर डेयरी हो गया, बहुत सारे घी जो आते हैं ना, ये कॉमर्शियल घी होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या, ये सारे घी है ना, विदेशी गायों की नस्लों से तैयार किए जाते हैं। विदेशी गायों को यानी कि घी बढ़ाने के लिए उनमें ना बाहर से एंजाइम्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये घी एक नॉर्मल जो होता है वो, और जो आपने पतंजलि ब्रांड देखा होगा तो थारपार घी का फोटो दिखता है उस पर, लेकिन थारपार घी, उस थारपार गाय वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना घी उससे बनता ही नहीं है ना। सो आपको इसको भी अवॉइड करना है। फिर थर्ड आता है ऑर्गेनिक इंडिया। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन क्या ये पेस्टिसाइड फ्री हैं? क्या आपकी गाय या भैंस को जो चारा खिलाया था उसमें पेस्टिसाइड था या नहीं था? तो ये लोग थोड़ी प्रिकॉशन करते हैं। लेकिन चौथी जो कैटेगरी का है वो सबसे बेस्ट घी है, सबसे बेस्ट। मतलब इसमें ना देसी घी कहा जाता है, जो कि बिलोना मेथड से, मतलब हमारी भाई मम्मी या दादी जो यूज़ में लेती थी ना, हाथ से जो छास फेरते थे ना, हाथ से घी लिया जाता था, या दही को गर्म करें, दूध को गर्म करके दही बना के फिर हाथ से घी लिया जाता, वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है। तो उसमें साहिवाल है, थारपार है, राठी है, तो इस गाय का जो घी होता है ना, वो सबसे बेस्ट घी होता है। मतलब वो है ना, वो अमृत है। हमेशा जो अमृत की बात करते हैं ना आयुर्वेद में, वो ही अमृत का, देसी घी ही अमृत है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ही ना अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए देसी घी आयुर्वेद का अमृत है, उसको यूज़ में लाना चाहिए। लेकिन बिलोना मेथड वाला है, क्योंकि हाँ, कॉमर्शियल घी और बिलोना मेथड में दिन रात का फर्क आता है, डिफरेंस आता है इस घी में, क्योंकि रेट बहुत ही ज़्यादा वेरिएट करती है। रेट वेरिएट करेगी तो क्वालिटी का भी तो मैटर है, और क्वालिटी जहाँ अच्छी होगी वहाँ पे पैसे आपको डेफिनेटली लगेंगे। सो दोस्तों, हमेशा हेल्थी चीज़ खाइए, हेल्थी रहिए, और अपने ना स्वास्थ्य को उत्तम रखिए। सो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ये हेल्थ का मैटर है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।